चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। प्रमुख खबरें। पहली बार बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल 16 जून को खोले जा रहे हैं। अंधशिक शिक्षा मित्रों को जाने का कोई भी आदेश नहीं। नो पे नो वर्क अंधशिक संघ। जहाँ विद्यालय अंधशिक शिक्षा मित्रों के सारे चल रहे हैं वहाँ जाना होगा। 16 से 30 जून तक मानदेय की मांग कर रहे हैं अंधशिक शिक्षा मित्र। 16 से 20 जून निरीक्षण होगा हर स्कूल का ताकि विधिवत खुल सके। क्लीन डेस्क पॉलिसी लागू। महानिदेशक महोदय का समस्त बीएसओ को आदेश जारी। अब खबर विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक में। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज में। इस समय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आ रही है। 16 जून से सभी परिषदीय विद्यालय खुल रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में पहली बार ऐसा हो रहा है कि 16 जून से स्कूल खोल दिए गए हैं। इसमें कड़ाई से पालन किया जाएगा, आदेश जारी है। लेकिन शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को अभी भी कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जा चुका है कि वो जाकर स्कूल खोलें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक और शिक्षा मित्र ही चला रहे हैं। ये विद्यालय उन्हीं के रहमो करम पर खुल रहे हैं और शिक्षण कार्य लगातार हो रहा है। तो सवाल बनता है कि वहाँ पर कौन जाएगा? क्या कोई नया आदेश आएगा अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के लिए? क्या उनको भेजा जाएगा? अगर भेजा जाएगा तो 16 जून से 1 जुलाई के पहले का 15 दिन का लगभग मानदेय जो बनता है वो कौन देगा? क्या शासन इसके लिए अलग से मानदेय की व्यवस्था करेगा? इन सभी सवालों पर हम बात करते हैं आज। सबसे पहले अनुदेशक संघ की तरफ से हम बात करते हैं। विक्रम सिंह जी ने कहा है कि हमें जाने में वहाँ पर कोई आपत्ति नहीं है, अगर सरकार हमारे मानदेय की व्यवस्था कर देती है 15 दिन की तो हम जाने को तैयार हैं। नो वर्क नो पे। साथियों, यहाँ पर बताना चाहेंगे, अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने कहा है कि हम 1 जुलाई से ही जाएंगे, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई से ही शुरू होता है। अगर इस बीच हमें भेजा गया तो हमारे मानदेय की व्यवस्था की जाए। इधर बताना चाहेंगे, बीएससी डॉक्टर लक्ष्मीकांत पांडे ने कहा है शासन के निर्देशों के मुताबिक ही 16 जून से विद्यालय खोले जा रहे हैं। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का स्कूल जाना अनिवार्य होगा। अनुदेशक व शिक्षा मित्रों की संविदा रिन्यूअल की प्रक्रिया जून माह में ही पूरी कर ली गई है। यहाँ पर बताना चाहेंगे, मान्यवर रिन्यूअल प्रक्रिया 1 जुलाई से 31 मई तक ही पूरी कर ली गई, ना कि जून की। अगर जून में जाना है तो मानदेय की व्यवस्था करना आपका फ़र्ज बनता है और हमारा हक। एक बड़ी खबर, 16 जून से 20 जून तक निरीक्षण चलेगा कि विद्यालय खोले जा रहे हैं या नहीं। साथियों, बताना चाहेंगे, जिला बेसिक शिक्षा विभाग में क्लीन डेस्क व्यवस्था लागू हो गई। ये महानिदेशक बेसिक शिक्षा का आदेश है। समय समय पर ज़िले स्तर पर इसकी जांच भी कराई जाएगी महानिदेशक बेसिक शिक्षा के द्वारा कि समय से कार्य संपूर्ण किए जा रहे हैं या नहीं। आज के समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।